आपका ये डिवाइस रियलमी नार्जो 35G है, तो इस वीडियो में मैं आपके डिवाइस के लिए कुछ बैकअप्स रिकमेंड करूँगा, जितने कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहला बैकअपर है वो है स्मोकी बैकअपर, देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैकअपर है। और यहाँ पर आपके कैमरे के लिए भी कटआउट्स बने हैं, यानी कि जो आपका कैमरा है, अगर आप लोग कैमरे में ग्लास यूज़ नहीं कर रहे हो कैमरा ग्लास, तो भी इस वाले बैकअपर को यूज करके अपने कैमरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बैकअपर है और यहाँ पे ट्रेंडी बैकअपर भी इसे बोल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बैकअपर बिकता है। गाइज अब बात करते हैं दूसरे बैकअपर की, उससे पहले इसका प्राइस जो है वो गाइज 229 रुपये है, तो काफ़ी अच्छा बजट में भी आपके प्राइस में, तो आप लोग इसे बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। गाइज जो दूसरा बैकअपर है वो है 360 बैकअपर, देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैकअपर है। गाइज इस ये वाला जो बैकअपर है वो स्मोकी बैकअपर से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन के मामले में बेटर है, क्योंकि चारों कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो जो बम्प्स लगे हैं उससे, यानी कि अगर आपका मोबाइल गिर भी जाता है तो थोड़ा सा बम्प्स के कारण जो फोर्स लगता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो चांस होता है कि आपका जो डिवाइस है वो ब्रेक नहीं होगा। और कैमरे के लिए सेम जैसा कि स्मोकी बैकअप में था, इस वाले में भी वही है, आपको कैमरे के लिए अलग से कटआउट्स मिल जाते हैं। गाइस प्राइस की बात करें तो लगभग से ये 300 रुपये का है, तो आप लोग बाइक कर सकते हो। गाइस इसके बाद जो बैकअप है वो है प्रीमियम क्वालिटी का बैकअप, इस बैकअप का नाम है गोल्डन सैंड बैकअप। ये गाइस काफ़ी प्रीमियम लेदर लुक डिज़ाइन आपको देता है, और इसका जो मटेरियल है बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी बेटर है उन सभी बैकअपर से, तो अगर आप लोग इस वाले बैकअपर को अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग बाई कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये प्रीमियम बैकअपर है, यानी कि थोड़ा सा महंगा भी आता है, लगभग से 600 रुपये का इसका प्राइस होगा। तो अगर आप लोग बाई कर सकते हो तो कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो। काफ़ी लेकिन गाइस ये बेटर बैकअपर है, कैमरे के लिए भी देख सकते हो सब कुछ बेटर है इसमें। गाइज अब बात करते हैं, बहुत से लोगों को लेदर बैकअप चाहिए होता है, यानी कि फ्लिप बैकअप, तो गाइज यहाँ पे आप लोग फ्लिप बैकअप यूज कर सकते हो। बट गाइज इस वाले बैकअप में यूज करने से पहले आप लोग कैमरा ग्लास लगवा लेना, क्योंकि कैमरे के लिए कटआउट्स नहीं बने हैं, तो इसमें आपका कैमरा जो है वो स्क्रैच हो सकता है। बट गाइज इसमें भी चांस नहीं होता है स्क्रैच होने का, क्योंकि जो अगर आप लोग फ्लिप बैकअप यूज करोगे तो लगभग से 2 से 3 mm उठा होता है, यानी कि अंदर होता है कैमरा, तो चांस नहीं होता है स्क्रैच होने का, बट फिर भी आप लोग यूज कर लेना। गाइज इसके बाद जो है वो मॉन्स्टर बैक कवर या फिर हार्ड बैक कवर देख सकते हो। इस वाले गाइज अगर आपको यूज करना है इस वाले बैक कवर को, तो इसमें यार आप लोग ज़रूर से जो कैमरा ग्लास है वो लगवा लेना, तभी आप लोग इस वाले बैक कवर को यूज करना, नहीं तो क्योंकि इस वाले बैक कवर में आपको जो एज होते हैं कॉर्नर के कैमरे के लिए वो 0.5 mm होते हैं, तो ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका जो अगर आप बैक साइड से मोबाइल को रखोगे तो स्क्रैच पड़ जाएगा कैमरे के ग्लास में, तो आप लोग पहले इसमें कैमरा ग्लास यूज करना, उसके बाद आप लोग इस वाले बैकअप को बाइक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप लोग बाइक कर सकते हो जा करके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर करना।